अस्सलाम वालेकुम यूज़, आज मैं आपके सामने साइड कमीज़ का डिज़ाइन जो है ना वो सेट करूँगी। उसके लिए ये मैंने कमीज़ की जैसे कि चुड़ाई जो है ना वो 10 इंच यानी कि ली है, तो मेरी कमीज़ की चुड़ाई जो है वो 11 रखनी थी, 1 इंच मैंने इसको कम इसलिए किया है कि ताकि मैं इधर कपड़ा अटैच करके उसके ऊपर डिज़ाइन करूँगी। ठीक है, ये 1 इंच मैंने इसको कम लिया और उतना ही मैं ये पीस जो है वो इधर ये अटैच करूँगी इसके साथ। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले मैं इसके कंधे की कटिंग कर लेती हूँ। ठीक है, उसके लिए ये मैंने अपने कंधे की जो है ना वो 7.5 जो है ना इसकी तीरा ली है और 8.5 में इसका कंधा ले लूँगी। ये इस तरह से लेके मैं अब इसकी कटिंग कर देती हूँ। मैंने इसकी कटिंग कर दी, अब ये फ्रंट वाले 2 पीस उठा के इसकी एक्स्ट्रा कटिंग करूंगी। इस तरह गले की चौड़ाई के लिए मैंने 3 इंच लिया और कंधे का डोन यहां से 1 इंच नीचे की तरफ आके इसको सीधा इस निशान से अटैच कर दूंगी। अब मैं यहाँ से कटिंग कर दूंगी। फ्रंट पीस को हटा दिया मैंने, बैक गले की चौड़ाई 3 इंच और गहराई जो है ना 2.5। ये इसको इस तरह से मैंने गुलाई करके ये मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। फ्रंट की मैं गला अटैच करने के बाद कटिंग करूंगी। अब ये मैं बटीज के साथ अटैच करूंगी। साथ में मैंने ये लूप्स बना के रखे हुए हैं। ये लूप्स की भाई मैं आपको बता देती हूँ कि कितना मुझे ज़रूरत है। ये 2.5 मैं इसकी रखूंगी, उसको फोल्ड कर लूंगी और 2.5 पे मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। यह मैं सारे लूप्स जो है ना वो उस तरह से काट लेती हूँ। लूप्स काट ली हैं। ठीक है, अब इसकी इस साइड पे मैं कपड़ा अटैच करके इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी। ये मैं पहले कपड़ा अटैच करती हूँ। हाँ जी, यह पट्टी मैं बाद में जोड़ूंगी। अब तो सबसे पहले इसका गला जो है ना वो अटैच होगा। ये गला मैंने इसका कटिंग करके रखा हुआ है, इसको फ्रंट साइड पे मैं पहले गला प्रेस करती हूँ इस तरह से। हाँ जी, ये मैंने देखें प्रेस से इसके ऊपर गला अटैच कर दिया। अब मैं इसके साथ से जो है ना वो कटिंग कर दूंगी। ये एक्स्ट्रा पीस जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है ना वो कटिंग कर देती हूँ। ये सारा फैब्रिक इसके अंदर से काट दिया, इसको मैं अब फ्रंट साइड से इस तरह से रखूंगी। अब यही लूप्स जो मैं कमीज की साइड पे लगाने हैं उसी तरह के लूप्स मैंने बना के रखे हुए हैं, ये मैं गले की इस साइड पे यहाँ पे अटैच करूँगी। ठीक है, ये सारे मैं अभी अटैच करती हूँ। 2-3 हाँ जी, ये मैं जो है ना इसके साथ लूप्स अब अटैच करूँगी इतने फासले पे। ये लूप्स मैंने काट के रखे हुए थे। ये तकरीबन 1/2 इंच के फासले पे आपने जो है ना वो ये अटैच करते हैं। हाँ जी, ये मैंने सारे इसके ऊपर अटैच कर दिए। ठीक है, अब मैं एक्स्ट्रा पीस जो है वो इसके नीचे रख के इस साइड से जो है ना वो सिलाई लगाऊंगी। ये मैंने इसके नीचे फैब्रिक रख के अब इसको सिलाई लगाती हूँ। इस तरह से इसके किनारे किनारे पे जो है ना वो सिलाई आ जाएगी। हाँ जी, ये मैंने सिलाई इसके नीचे लगा दी। अब इसके अंदर से ये कप फैब्रिक जो है ना वो इसको काट देती हूँ। हाँ जी, ये देखें मैंने इसको प्रेस कर लिया। ठीक है, दूसरी साइड से मैंने इसको इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको अंदर फोल्ड करके इसकी ये इस तरह से प्रेसिंग बैठा दी है। ठीक है, इसको मैं इधर से हेम करूँगी। ठीक है, सिलाई भी लगा सकते हैं लेकिन मैं हेम करूँगी। अब मैं इसकी साइड पट्टी लगाऊंगी। इसकी साइड पट्टी लगाने के लिए सबसे पहले मैं ये पट्टी जो
स्टिच करके अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी ऐसे, उसके बाद मैं ये लूप्स उसके पास अटैच करूँगी। ये मैं इस तरह से सीधी पट्टी जो है ना वो इसके साथ अटैच कर दूंगी, फ्रंट और बैक दोनों पे मैंने ये अटैच करनी है। हाँ जी, ये देखें मैंने इसकी पट्टी लगाई थी, उसके बाद ये मैंने लूप्स जो है ना वो उसकी उस साइड पे लगा दिए। ये अंदर इसके एक्स्ट्रा पीस लगा के जितना मैंने ये साइड पे रखनी थी साइड उसकी मैंने रख दी है, तो बाकी ये देखें इस तरह से मेरा तैयार हो गया। ठीक है, उसके अलावा मैंने ये शर्ट पूरी तैयार कर दी है। इसका नीचे बॉर्डर था, बॉर्डर को लगाने के लिए इसके नीचे भी मैंने इसी तरह की लूप्स जो है ना वो काट के ये देखे लगाई हुई हैं। ठीक है, ये लूप्स लगा के इसके नीचे कपड़ा लगाया है और ये मेरा बॉर्डर जो है ना इसके साथ अटैच हो गया। इस तरह ये मेरी शर्ट साड़ी कम्प्लीट है। ये इस तरह से आपके सामने दोनों साइड से रेडी हो गई, और ये बाजू के आगे भी बॉर्डर जो है ना वो इसी तरह मैंने अटैच किया होगा। ये लूप्स लगा के उसके नीचे कपड़ा लगाया और इस तरह ये बाजू के आगे भी मेरा डिजाइन आ गया और ये मेरा सारा रेडी हो गया। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।